गणपति पूजा के पीछे छुपा हुआ है साइंस का राज। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से कलश पूजा करने तक की 10 परंपराएं, इनके पीछे है धर्म के साथ विज्ञान भी। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 31 अगस्त को गणपति जी आ रहे हैं। आप भी घरों में पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, स्थापना के लिए, सजावट के लिए सोच रहे होंगे। गणेश पूजा को लेकर ज्यादातर लोगों के दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या ये सभी सवाल सिर्फ धर्म से जुड़े हैं या इनके पीछे कोई विज्ञान या कोई मनोविज्ञान भी है? ये जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। सबसे पहले, गणेश जी की पूजा क्यों जरूरी है? गणेश जी और कार्तिकेय जी ने शर्त लगाई थी कि सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगाकर आता है। तब कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर उड़ गए। गणेश जी का वाहन चूहा है तो उन्होंने चूहे पर बैठकर शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने तर्क दिया कि मेरा पूरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही है। इस बात से खुश होकर शिव जी ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। जल तत्व के स्वामी है गणेश जी। पानी, हवा, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन सभी 5 तत्वों से हमारा शरीर और पूरी बनी हुई है। हमारे शरीर में 70% पानी है। पेड़ पौधे, पूरा वातावरण पानी पर ही निर्भर होता है। पंच तत्वों में जल के स्वामी गणेश जी है, यानी गणेश जी का महत्व सबसे अधिक है। इस वजह से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? दूर्वा एक घास है जिसकी छोटी छोटी गांठियां पूजा में चढ़ाते हैं। अनलासुर ने इंद्र को युद्ध में हरा दिया तो गणेश जी ने सभी देवताओं को बचाने के लिए इस राक्षस को निगल लिया था, जिससे उनके पेट में जलन होने लगी। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें खाने के लिए दूर्वा की गांठें बनाकर दी। दूर्वा खाते ही भगवान के पेट की जलन खत्म हो गई। तब से ही गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जा रही है। दूर्वा चढ़ाने के पीछे क्या है साइंटिफिक रीजन, आइए जानते हैं। डाइजेशन ठीक रखता है दूर्वा का रस। गणेश जी को तो दूर्वा चढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर हम भी इसे दवा के रूप में खाएं तो पित्त से जुड़ी बीमारियां दूर रहेंगी। दूर्वा का रस गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, कब्ज जैसी दिक्कतें दूर करता है। दूर्वा का रस पीने से महिलाओं की पीरियड से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं। किसी को पाइल्स हो तो दूर्वा से राहत मिल जाती है। कलश की पूजा क्यों की जाती है? पूजा में मिट्टी के कलश में पानी के साथ थोड़ा सा गंगा जल डाला जाता है। कलश पर धागा बांधते हैं। आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर रखे जाते हैं और फिर कलश के मुंह पर नारियल रखा जाता है। नारियल पर धागा लपेटते हैं। इसके बाद कलश की भी पूजा की जाती है। पंच तत्वों और प्रकृति का प्रतीक होता है कलश। कलश को पंच तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना गया है। इन 5 तत्वों पर प्रकृति ही टिकी हुई है। कलश पूजन करने का अर्थ है प्रकृति का पूजन करना। कलश पूजन का संदेश ये है कि प्रकृति के साधनों को गलत उपयोग नहीं करना है। प्रकृति है तो हम हैं। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? गणेश जी और तुलसी से जुड़ा एक किस्सा है। तुलसी राजा धर्मात्मज की पुत्री थी और गणेश जी को जीवन साथी बनाना चाहती थी, लेकिन गणेश जी ने कहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। ये बात सुनकर तुलसी गुस्सा हो गई और गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उसे श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा। बाद में गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ और तुलसी का विवाह शंखचूड़ असुर से हो गया। तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था, इस वजह से भगवान ने तुलसी को अपनी पूजा में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तब से गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। दूर्वा शरीर की गर्मी शांत करती है जबकि तुलसी शरीर में गर्मी बढ़ाती है, क्योंकि इसमें पारा धातु होती है। गणेश जी को ऐसी चीजें ही चढ़ाई जाती हैं जो शरीर की गर्मी को शांत करे। पूजा में चावल का उपयोग क्यों होता है? चावल पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। चावल को अक्षत भी कहते हैं। अक्षत यानी जो कभी खत्म नहीं होता है। चावल का खास गुण है कि ये जितना पुराना होता है इसके गुण उतने ही बढ़ते जाते हैं। पूजा में अक्षत चढ़ाने का अर्थ यह है कि समय के साथ हमारी भक्ति बढ़ती रहे। चावल मुख्य गुणों की वजह से अपने मुख्य धानों में से एक है और धान से धन मिलता है। चावल में कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। चावल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारा मन हमेशा शांत रहे और सभी काम बिना बाधा के पूरे हो जाए। रंगोली बनाने से हमें क्या फायदा मिलता है? रंगोली बनाना दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। इसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। रोज सुबह सुबह रंगोली बनाने से क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर होती है। रंगोली बनाने से हमारा पूरा ध्यान एक जगह लगा रहता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है, जिससे मेडिटेशन का लाभ मिलता है। जब कोई भक्त सुंदर रंगोली देखता है तो उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है। रंगोली में कई रंग होते हैं। रंगों का असर सीधे हमारे दिमाग पर होता है।
जिससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और तनाव खत्म होता है। आम अशोक के पत्ते और फूलों से सजावट क्यों करते हैं? गणेश जी के स्वागत के लिए घर के बाहर आम अशोक के पत्तों की बंधनवार बांधते हैं। पत्तों और फूलों को धागे में पिरोकर बंधनवार बनाते हैं। इसे मेन डोर पर ऊपर की ओर बांधा जाता है और घर को अलग अलग सुगंधित पुष्पों से सजाया जाता है। फूल पत्तियों से घर का वातावरण प्राकृतिक बनता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। फूलों और पत्तियों के रंग आंखों को सुकून देते हैं। फूल की महक और रंगों से हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से मन शांत होता है और दिल को खुशी मिलती है। गणपत जी को मोदक क्यों पसंद है? गणेश जी को मोदक चढ़ाने के पीछे दो कारण है। पहला कारण, देवी पार्वती बाल गणेश को मोदक खास तौर पर खिलाती थी। दूसरी मान्यता, एक बार माता अनसुईया ने गणेश जी को खाने पर बुलाया था। बहुत खाने के बाद भी भगवान का पेट नहीं भर रहा था, अनसुईया थक चुकी थी। अंत में उन्होंने मोदक बनाए और मोदक खाते ही गणेश जी तृप्त हो गए। इन मान्यताओं की वजह से गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। मोदक शब्द का अर्थ आनंद देने वाला। प्रसाद के रूप में मोदक खाने से इसकी मिठास भक्त को आनंद देती है। मोदक खाने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब बॉडी में मीठे रूप से ग्लूकोज जाता है तो हमारी भूख शांत होती है। थकान और कमजोरी में मोदक से राहत मिलती है। मोदक बनाने में चावल का आटा, नारियल, काजू, बादाम, गुड़, घी, इलायची आदि का इस्तेमाल होता है। ये सभी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद होती है। गणेश जी बड़े शरीर वाले होते हैं, लेकिन उनका वाहन छोटा सा वाहन क्यों है? एक राक्षस ने चूहा बनकर पराशर ऋषि का आश्रम बर्बाद कर दिया था। गणेश जी ने उस चूहे को पकड़ लिया और उस पर दया करते हुए वर मांगने के लिए कहा। चूहा कुतर्क करते हुए बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप कुछ मांग लें। गणेश जी ने कह दिया कि आज से तू मेरा वाहन है। जैसे ही चूहे पर गणेश जी बैठे तो वह दबने लगा। फिर उसने कहा कि कृपया मेरे अनुसार अपना वजन करे। तब गणेश जी ने अपना वजन कम कर लिया। तब से ही चूहा गणेश जी का वाहन है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और चूहा कुतर्क का प्रतीक है। कुतर्क को बुद्धि से ही काबू किया जा सकता है, यानी जब हमसे कोई कुतर्क करे तो उसे हम बुद्धि से हरा सकते हैं। गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है? यह घटना परशुराम और गणेश जी से जुड़ी हुई घटना है। जब परशुराम जी भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे तो उस समय शिव जी ध्यान पे व्यस्त थे, तो गणेश जी ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। जब परशुराम जी को रोका गया तो उन्होंने गुस्से में अपने फरसे से गणेश जी पर वार कर दिया। फरसा शिव जी ने उन्हें दिया था, जिस कारण गणेश जी ने उनका वार नहीं रोका और अपने दांत पर झेल लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। कालांतर में उन्होंने टूटे दांत से महर्षि वेदव्यास से उच्चरित महाभारत कथा का लेखन किया, जिस कारण से उन्हें एक दंत की उपाधि मिली। देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को एक दंत का रूप, आदिशक्ति पार्वती, आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पिता श्री हरि विष्णु के सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ। गणेश जी इसी रूप में समस्त लोकों में पूजनीय और वंदनीय। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।